किसान भाई और नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान का। आजकल आप सब नींबू और अमरूद में कटिंग और खाद प्रबंधन में व्यस्त होंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही समय है। अमेजिंग किसान फार्म पर हमने अमरूद के बगीचे में और नींबू के पौधों में क्या क्या कार्य इस समय किए हैं, आज मैं आपको वो दिखाऊंगा। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं नींबू की बागवानी फरवरी माह में किए जाने वाले कार्य। ये देखिए, ये मेरी लेमन की लाइन है जो ये है, और आप देखेंगे इनकी मैंने कटिंग कर दी है इस प्रकार। ये देखिए कितनी साफ तरीके से, और मेन जो ध्यान रखना है वो इस बात का है कि कोई भी शाखा नीचे न छुए। आपको मैं दिखाता हूँ इस पर अभी भी कितने फूल आ रहे हैं। ये देखिए, ये फूल हैं और ये फल भी बनने शुरू हो गए। पौधा छोटा है, अभी 1.5 साल का है, इसलिए फल का नहीं मैं ज़्यादा इच्छुक हूँ, पर देखिए गुच्छों में फूल हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा नींबू नहीं है, इस पे 100-100 ग्राम के नींबू लगते हैं। हो सकता है अगली बार कम आ जाए। तो इस प्रकार देखिए, ये पूरी लाइन में मैंने किस प्रकार कटिंग की है, इसको एक आकार दिया है और ये ध्यान रखा है कि नीचे की ओर इसमें कुछ भी ना हो। अब ये देखिए, ये मेरी नींबू की लाइन है। इसमें जो ध्यान रखने की बात है, ये देखिए, ये मैंने जो इसका तना है, मुख्य तना, ये इसकी मैंने कटिंग कर दी है, और अब जितनी फुटान ऊपर होगी उसको मैं रखूँगा और जो नीचे निकलेगी उसको मैं हटाता रहूँगा। कटिंग करते समय इसमें आप COC का स्प्रे अवश्य करें, हमने किया है, आप भी अवश्य करिए। दूसरी चीज़ ये है, चूँकि 1 साल का पौधा हो गया, ये बहुत अच्छी नहीं है इसकी स्थिति, पर अब हम इसकी बहुत देखरेख करेंगे, क्योंकि नींबू की मैं बहुत देखरेख नहीं कर सका। तो देखिए, तने से लगभग 4 से 6 इंच मैंने जगह छोड़ी है, आप ध्यान से देखिए। और इसके बाद अब इस हिस्से में मैं कुछ भी नहीं करूँगा, और इसके बाद जहाँ तक इसकी छाया, करीब 1 फीट मैंने ये निकाल कर मिट्टी, आप देखिए, ये चारों तरफ लगा दी है। और इसको मैंने, अब आप ये देख लीजिए कि कितना गहरा हमने ये खोदा हुआ है, देखिए पूरा खुरपा जा रहा है। तो इसको हम अब थोड़ी सी 1 दिन की धूप भी लगाएंगे, और इसके बाद इसमें कम से कम 10 से 15 किलो गोबर का खाद डालेंगे, और बाकी खाद मैं क्या दूंगा वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। और इसके बाद इसमें हम सिंचाई कर देंगे, पानी दे देंगे। तो ये है हमारा, इस प्रकार हमने नींबू के सभी पौधों में शुरू कर दिया है ये काम। ये देखिए, इसमें चूँकि ये है, ये ध्यान रखना है कि जहाँ तक इसकी कैनोपी है, पौधे आ रहे हैं, ये थाला उतना ही बड़ा आपको बनाना है। और बीच में हमने छोड़ दिया है, और ये भी बताया है कि ये इसमें थोड़ी सी आप मिट्टी कर दें, ताकि जब भी पानी अगर फ्लड से दे रहे हैं, पानी इसे न छुए, ज़्यादा मत करो, इसे न छुए, यहाँ तक पानी आएगा, इस हिस्से तक पानी आएगा, और यहाँ तक केवल इसका नमी पहुँचेगी, तो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। ये देखिए, पूरे बाग में हमने इस तरह की कटिंग कर दी है, और अब हम इसमें ये कार्य कर रहे हैं। इसके बाद हम दिखाएंगे कि इसमें जब खाद डाल देंगे, ये उसको खाद के जो कितना खाद डालना है, किस प्रकार डालना है, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।